शहर के दिलवाड़ा रोड चौराहा डेयरी के पास स्थित गोकुल ग्रीन पर्ल आनंदा कॉलोनी में 25 से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का रस वर्षन होगा। इस शहर निवासी भजन लाल सुरेश चंद्र सर्राफ परिवार के ब्रह्मलीन सदस्यों को आत्मशांति व स्वर्गीय विनोद सर्राफ की प्रथम बरसी प्रायोजित रस वर्षन में जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम चरण देवाचार्य श्री जी महाराज भगवान राधा सर्वेश्वर प्रभु की दिव्य लीलाओं का गुणानुवाद करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर 25 दिसंबर को प्रातः 9 बजे फतेहपुरिया बगीची स्थित रघुनाथ जी के मंदिर से कथा स्थल पर अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। कथा आयोजक परिवार के गणपत सर्राफ ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक आयोजित कथा में प्रसंगानुसार आकर्षक झांकियां सजाई जाएगी। कथा स्थल पर भव्य पांडाल का निर्माण करवाया जा रहा है। इस पांडाल में करीब 7,000 श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था रहेगी। कथा का श्रवण करने के लिए राजस्थान और अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों से श्रोता पहुंचेंगे। उनके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। शहर के विभिन्न इलाकों से कथा स्थल तक आवागमन के लिए वाहनों की व्यवस्था रहेगी। किशनगढ़ से ब्यावर तक 2 बसें रोजाना संचालित की जाएगी। सर्राफ के अनुसार कथा के लिए श्री जी महाराज 24 जनवरी को ब्यावर पधारेंगे। सर्राफ ने शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रतिदिन कथा में पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। भागवत कथा जो होने जा रही है दिनांक 25 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 7 दिवसीय कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम यहाँ होगा उस स्थल पे मैं खड़ा हूँ, कथा स्थल पे पंडाल बन के करीब करीब तैयार हो चुका है और इसमें बस मतलब ड्रेसिंग या इसका श्रृंगार चल रहा है। करीब करीब जैसे महाराज श्री ने बताया था उसके अनुसार जो है इसकी सारी व्यवस्था अपने पूर्ण हो गई है। ठीक है, अब महाराज जिस मंच पे विराजेंगे व्यासपीठ पे वो निर्मित हो चुका है। म्यूजिशियन जो उनके बैठेंगे वो अपना निर्मित हो चुका है और साउंड वाले जो लुधियाना से आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था बिल्कुल तैयार है। अब मैं कुछ जानकारी दूंगा कि कथक महाराज श्री श्री श्याम शरण जी देवाचार्य श्री श्री जी महाराज जो वर्तमान में निम्बार्क पीठाधीश्वर है उनके श्रीमुख से ये कथा का आयोजन है और दिनांक 25 दिसंबर 2022 को फतेहपुरिया बगीची से शोभा यात्रा का शुभारंभ है सुबह 9 बजे। शोभा यात्रा में आने वालों के लिए सुबह व्यवस्था ऐसी रखी है कि वहीं से अल्पहार करके और फिर वहां से शोभा यात्रा राधा कुंज गार्डन होती हुई यहाँ अपने देलवाड़ा रोड से होती हुई यहाँ अपने पर्ल आनंदा कॉलोनी जो कि देलवाड़ा रोड चौराहे पे स्थित है, पास में डेयरी है। वैसे हमने सभी जगह इंडिकेशन और लगा दिए हैं और भी अपने पर्दे वगैरह लग रहे हैं वो जो है मतलब कलश यात्रा यहाँ आकर के संपूर्ण होकर के और फिर महाराज श्री थोड़ी देर विश्राम करके उसके बाद जो कथा का समय है वो 2 से 6 का रखा है। कथा के बीच में महाराज श्री का ऐसा निवेदन हमेशा रहा है और जहाँ जहाँ उन्होंने अपने जो है मतलब भागवत कथाएँ करी है कि वो शोरगुल अपने कम पसंद करते हैं और मंच के ऊपर जो भीड़ आदि अपनी मर्जी से चढ़ जाती है उसमें भी वो मतलब जो है राजी नहीं रहते हैं। तो मेरा तो ये समझ शेर से निवेदन है कि ये आप सबकी कथा है, एक अकेले सराफ परिवार की नहीं है, पूरा सराफ परिवार आपके साथ खड़ा है और आपसे उम्मीद रखता है कि व्यवस्था ये सब यहाँ की बना करके सुचारू रूप से रखें क्योंकि संत हैं, ये कोई कथावाचक तो है नहीं, ये संत हैं, बहुत बड़ी पीठ के संत हैं और ब्यावर में पहली बार आ रहे हैं। ब्यावर शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम टैलेंट पॉइंट जहां आप पाएंगे सूट कोट शेरवानी की आकर्षक वैरायटी मात्र 2200 रुपए में, फुल सूट कपड़े में सिलाई सहित, साथ ही पाइए आकर्षक उपहार टाई पिन रुमाल मोजे हैंगर व सूट कवर, किराए की छोड़िए घर ही की ले जाइए मात्र 2500 रुपए में। डिजाइनर शेरवानी रेमंड ओसियन सियाराम रीड एंड टेलर न्यूमैन ब्रांड की इम्पोर्टेड वैरायटी वाजिब दाम में उपलब्ध। अजमेर के कुशल कारीगरों द्वारा वाजिब दाम में पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सूट व शेरवानी की सिलाई भी की जाती है। तो पता नोट कीजिए, टेलर पॉइंट दुकान नंबर 22 शांति टावर चांगेट ब्यावर, संबंधित फर्म जोधपुर टेलर्स रामगंज अजमेर, मोबाइल नंबर 9602062799925223920।